कलिंग साहब, मैं ईटानगर से मनोज सिंह बोल रहा था। ओके हाँ, गुड मॉर्निंग मनोज जी। सर, काफी दुखद घटना है, करादादी में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग भी ईटानगर में काफी चिंतित थे। ऑलमोस्ट होल नाइट पूरा ईटानगर के लोग परेशान थे कि क्या घटना हो गया और कितने लोग हैं, क्योंकि पता चला कि जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कनेक्टिविटी का बिल्कुल साधन नहीं था। तो सर, थोड़ा सा आपसे डिटेल्स में हम जानना चाहते थे कि अपडेट क्या है सर, कल का जो करादादी जो ताली का यज्ञ ताली रोड में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका डिटेल्स थोड़ा बता सकते हैं सर आप अभी तक? हाँ मनोज जी, काफी अनफॉर्चुनेट था ये जो इंसिडेंट। जो आजकल मतलब ऑफिशियल जो रिपोर्ट हमें जो मिला है कल, इंडिकेशन देखते कारण से काफी जो ऑन द स्पॉट इन्फॉर्मेशन जो मिला था वो नहीं मिल पाया था। तो फाइनली हम लोग जितने थे यहाँ पे पालिन में सब वेट ही कर रहा था, एंड फाइनली जो हमारा जो टीम गए थे वहाँ पे वो लगभग आज सवेरे 4 बजे या फिर 3:30 बजे इसी वक्त मतलब यहाँ पे पहुंचे, तभी मतलब ऑफिशियल जो रिपोर्ट मिला है हमको। ये जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट जो हुआ था, ये एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप है जिसका नंबर है AR01N444848। ये वहां से ताली से मतलब कुछ वहां पे फिलोसफी प्रोग्राम था, वहां का जो पार्टी है उसको ताली से यहाँ पालिंग की और मतलब रवाना होना था। और ये लगभग जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था ये लगभग 3 बजे से या फिर 3:30 बजे इस दौरान हुआ था, और जिसमें टोटल ऑक्यूपेंट जो यहाँ पे थे 19 था आज पर रिपोर्ट, जिसमें से 4 जो मेल बंदा था और रेस्ट ऑफ देम और फीमेल्स। और अभी तक जो जितना खबर है उसमें से मतलब 4 फीमेल्स जो है वो ऑन द स्पॉट में डेथ हो गया था, और आज पर हमारा जो रिपोर्ट है 8 आदमी जो है वहाँ पे सिविली इंजर्ड था। उसके बाद में यहाँ पे मेडिकल, यहाँ पे जो तालीम की जो मेडिकल है यहाँ पे मतलब ऑफिसियल जो फिगर है यहाँ पे जो 8 जो बंदा आया था उनको मतलब मेडिकली रेफर करके ईटानगर भेज दिया गया है। इसमें से और एक निकल है कि एक और लेडी है वो भी थोड़ा सीरियसली इंजर्ड है, उसको लेकिन प्राइवेट व्हीकल अपनी तरफ से मतलब उन लोगों ने शायद सीधे ईटानगर पहुंचा दिया। तो अभी तक जो रिपोर्ट मिल रहा है उसमें से 9 जो है वो थोड़ा सा सीवियरली इंजर्ड है, और बाकी जो इंजर्ड है उसको यहाँ पे मेडिकली मतलब अटेंशन कराने के बाद है उस अपने घर चले गए। काफी दुखद खबर है कि लाइक ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। आई ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द अदर स्टाफ, ये जितने पब्लिक है उनको भी मतलब काफी सराहना देना चाहता हूँ कि लाइक उन लोगों ने काफी मदद किया है इवैक्यूएशन के तौर से ना। सर कालीन साहब, एसपी साहब, जहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था वो जगह का क्या नाम था? और सुनने में आया कि काफी गहरा था और रेस्क्यू इवैक्यूएशन में काफी दिक्कत हुआ आप लोगों को और लोगों को। हाँ, ये जो जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट स्पॉट है ये जो कुमर ब्रिज है इसके नजदीक में है, और ये काफी मतलब पहाड़ी जो थोड़ा सा डीप जोर्ज है, और गाड़ी जो है कि लेकिन पहाड़ से नीचे ये आपका जो कुमर रिवर जो है उसके रिवर बैंक के वहाँ पे मतलब ये गिर चुका था, तो काफी डीप जोर्ज था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मशक्कत तो होना पड़ा है ना। एग्जिट जो लोकेशन है वही है कुमे ब्रिज के सामने ना, कुमा ब्रिज। कोई कुबा बोल के जगह का नाम सुनने में आ रहा था सर, ये क्या हाँ, लोकेशन हाँ, है? हाँ, ये एरिया जो है मतलब जो कुमे ब्रिज का जो एरिया इसको कुआ बोलते हैं, कुआ पॉइंट ना। सर एक चीज था, रेस्क्यू में सुनने में आया कि काफी डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, पुलिस, मजिस्ट्रेट सबको लगाया गया, थोड़ा सा क्या डिटेल्स था सर उसमें? हाँ, ये एक्चुअली जब खबर जो मिला था कि एक्सीडेंट होने का, तो हमें जो खबर मिला यहाँ पे ऑफिशियल जो खबर हमको मिला था वो अराउंड तकरीबन 5:30 या फिर 6 बजे के तौर पे था। तो इमीडिएटली खबर मिलते ही हमारा जो यहाँ पर पुलिस टीम है, इसके बाद यहाँ का जो एम्बुलेंस है और अलोंग विद द मजिस्ट्रेट, इनको मैंने सीधा मतलब ऑन द स्पॉट में रक्तपात करने के लिए भेज दिया था। और इसी दौरान जो यहाँ का जो PHC है वहाँ का जो एम्बुलेंस है वो भी मतलब ऑन द स्पॉट में वहाँ पे मतलब निकल गया था, और लेकिन वही था कि जगह काफी दूर है तो वहाँ पहुंचते मतलब थोड़ा समय लग गया था और रास्ता भी थोड़ा खराब है। दूसरे कारण से मतलब इवैक्यूएशन में जो होना था वहाँ का जो लोकल्स लोग हैं उन लोगों ने मतलब काफी मदद किया है। सर एसपी साहब, एक चीज और थोड़ा सा जानना था, जो गाड़ी जो चला रहा था ड्राइवर का क्या स्टेटस है और एक्सीडेंट का क्या कारण रहा होता होगा अभी तक, जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो वहाँ स्पॉट में विजिट किया वाला था अभी तक का वो जो ड्राइवर का जो है, ड्राइवर मतलब वो भी थोड़ा इंजर्ड है, बट देन ही इज ऑल्सो मतलब ऑन मेडिकल अटेंशन।
अभी तक वो है. और जो जो मेन कोर्स ऑफ द इंसिडेंट है दैट वी कैन एक्चुअली लाइक यू टेल यू ओनली व्हेन मतलब इन्वेस्टिगेशन तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा. अभी जो जो हमारे जो टीम था रात को काफी रात को वहां में पहुंचा था, तो इस कारण से मतलब एग्जिट कोर्स ऑफ डेथ में एग्जिट कोर्स ऑफ जो एक्सीडेंट है उसको मतलब अभी हम आप लोगों को नहीं बता पाएगा. देट विल बी रिवील ओनली वेन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब अभी स्टार्ट हो जाएगा तभी पता चलेगा. सर ये रहा सर ह्यूमन अटेंशन एंड सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सर लीगल एस्पेक्ट में अभी तक क्या आप लोग पुलिस ने करादादी पुलिस ने क्या अभी तक किया सर? अभी तक फिलहाल मतलब ऐसा कोई मतलब कहीं से कंप्लेन नहीं आया, बट देन विल बी मतलब ऑब्वियसली लुकिंग इनटू द केस. दैट्स प्रोसीड इनफ. ओके थैंक यू एसपी साहब, थैंक यू वेरी मच.